हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार इंटरमीडिएट नामांकन 2019 के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, ऐसे तो इंटरमीडिएट में नामांकन की प्रक्रिया 25 जुलाई 2019 के बाद पूरी तरह से बंद हो गया था, परंतु अलग अलग जोन से स्टूडेंट के द्वारा बिहार बोर्ड से आग्रह किया गया कि इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए दोबारा से डेट निकाला जाए, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक नामांकन नहीं ले पाए थे और आवेदन भी नहीं कर पाए थे। दोस्तों इसी के रिगार्डिंग बिहार बोर्ड के द्वारा अब इंटरमीडिएट में नामांकन लेने के लिए डेट जारी कर दिया गया है। दोस्तों अब आप 2 सितंबर 2019 से लेके 5 सितंबर 2019 के बीच स्पॉट नामांकन के तहत बिहार के वैसे स्कूल कॉलेजों में आवेदन दे सकते हैं जहां पे सीट खाली है। और दोस्तों आवेदन देने की प्रक्रिया वही है जैसे पहले आवेदन दिया जा रहा था, और आवेदन के बाद फ्रेंड्स आप इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे और जहां भी आपका सिलेक्शन होगा वहां जाके आप एडमिशन करवाएंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप भी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में नामांकन कराना चाहते हैं और वैसे स्टूडेंट जो छूट गए थे आवेदन देने के लिए, साथियों आप सभी के लिए गुड न्यूज है। आप लोग कल दिनांक 2 सितंबर 2019 से लेके 5 सितंबर 2019 तक स्पॉट नामांकन के तहत ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं और अपने संबंधित कॉलेजों में एडमिशन करवा सकते हैं। दोस्तों आवेदन कैसे किया जाए, इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कैसे किया जाए, इससे रिलेटेड सभी प्रकार का वीडियो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में उपलब्ध है, वहां जाके आप सभी वीडियो को बारी बारी से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।